यूएससीपीए का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो चलो समझते हैं। यूएससीपीए में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसकी चार आंसर चॉइसेस होंगी जिसमें आपने एक सिलेक्ट करना है और वो ठीक होना चाहिए। यहां एक चैलेंज होता है बिकॉज आपको सारी आंसर चॉइसेस ठीक दिख रही होती हैं, तो आपको चॉइस करने में, सिलेक्ट करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, बट डोंट वरी, फिनट्राम इज देयर फॉर यू। जो सेकेंड कैटेगरी है बच्चे, वो है सिमुलेशंस की, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस कहते हैं इन्हें। ये बेसिकली एक केस स्टडी होता है बेटा, आपको एक केस स्टडी दी जाती है और उस केस स्टडी के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो, कैलकुलेशन की फॉर्म में हो, रिसर्च की फॉर्म में हो एंड व्हाट नॉट। ये आपको केस पढ़ के, समझ के, उसके बारे में जान के उसको फिर आंसर करना होता है और आप इसको करके आगे बढ़ चलते हो। कॉम्बिनेशन होता है बच्चे हर एग्जाम में, चारों के चारों एग्जाम में कॉम्बिनेशन होता है कि आपको एमसीक्यूज और टास्क बेस्ड सिमुलेशंस दोनों आते हैं और आपको दोनों करना है। अप्रॉक्सिमेटली 60% एमसीक्यूज होता है या 50-60% एमसीक्यूज होता है और 40-50% आपके सिमुलेशंस होते हैं एग्जाम में, जो आपको पास करने के लिए जरूरी है। और हर एग्जाम 4 घंटे का होता है, आप इसको फटाफट से फिनिश करके आगे बढ़ो। टू नो मोर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर कीप गेटिंग दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस। टुगेदर वी विल एस द सीपीए एग्जाम, टुगेदर वी विल एस इट, बिकॉज सीपीए बोले तो फिनट्राम।